समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। यह मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो, समझ लो इस चीज को और ये अपने अंदर गांठ बांध लो। जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं उठाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो उसी परिपाटी और सीढ़ी पे चलता रहा जहां नॉर्मल लोग चलते हैं। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई कटते क्यों है, क्योंकि जो 1% लोग हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम आओ। वो जानते हैं कि जो 99% जनता है हिंदुस्तान की उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है, वो डरते हैं, डर है अंदर पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है घर पे पार्टी है, वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे। देखो और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। इतने अच्छे रिटर्न आपको FD RD से नहीं मिल सकते। राइट नाउ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें ऑलमोस्ट 30-40% की ग्रोथ है मेरी, 30-40%। मतलब अगर मैंने यहाँ पर आप सोचिए अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अभी मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं, मतलब मैं इतनी अच्छी, कोई भी नहीं देगा आपको इतने अच्छे ग्रोथ, कहीं नहीं मिलने वाली। सर रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है ठीक है। सो इन दैट केस आप अपनी पूरी पूंजी कभी भी ना लगाएं, 5-10% ही लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही उसको इकट्ठा करते रहें धीरे धीरे करके, है ना। और जब आपके पास 10-10 करके 100 रुपए इकट्ठे हो जाए तो एक अच्छा शेयर खरीद लें, 1000 हो जाए तो और अच्छा शेयर खरीद लोगे, 10,000 हो जाए तो और अच्छे शेयर खरीद लोगे। दैट केस जो भी मैं बता रहा हूं तो गूगल पे जाके सर्च जरूर करें, अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में।